आपको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24 दिसंबर की शुरुआत की। कल आपका क्रिसमस है और उसके दिन के बाद आपके दिन आस्ते आस्ते करके बड़े होते हैं और अंधेरी रातें छोटी होती हैं। कहने का अर्थ यही है कि इस दिन से आपकी नई शुरुआत होती है, नई युग की एक यादगार है कि नर्क या कलयुग खत्म हुआ और स्वर्ग या सत्ययुग शुरू हुआ। इसलिए हम हर साल इस चीज़ को मनाते हैं, लेकिन अभी पूरे ड्रामा के हिसाब से, साल के हिसाब से नहीं, पूरे ड्रामा के हिसाब से वो समय चल रहा है जब नर्क खत्म होकर के स्वर्ग स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि दिन बढ़ने वाला है और रातें घटने वाली हैं। तो देखें, परमात्मा इसी चीज को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी झलक देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, तीनों कालों की दर्शिता, हमें पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है कि हमने क्या किया है, हमें क्या फेस करना है अभी इस जन्म में, मतलब कि पिछले जन्मों में क्या किया हमने, अभी क्या फेस करना है और आगे जा करके हमें क्या फेस करने के लिए अभी क्या करना है। तो इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय को पार्ट, समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर, नॉलेजफुल भवा। नॉलेजफुल वही है जिसको पता है कि अभी क्या करूं ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे। परमात्मा ने हमें जब धरती पर भेजा था, भगवान ने, अल्लाह ने, तो हम बिल्कुल पाक थे, पवित्र थे, खालसा थे। मतलब कि हमारे अंदर मन, बुद्धि, संस्कार की बात हो रही है, कोई भी अपवित्रता नहीं थी। हमारा शरीर भी बिल्कुल ही कंचन काया, संपूर्ण पवित्र था, जिसको कहते हैं स्वर्ग था धरती पर। उस समय हम थे कि नहीं थे वो आपको तब पता चलेगा जब आप 7 डेज का कोर्स करेंगे, साप्ताहिक कोर्स, 1 घंटा हर दिन। फिर परमात्मा कहते हैं हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, क्या हैं अभी, क्या बन गए हैं हम, जो कर्म किए उसके हिसाब से आपको पता है आप क्या बन गए हो, चाहे धन के मामले में, चाहे तन के मामले, चाहे संबंधों के मामले, जो भी आपके जीवन में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है आपको पता चल जाएगा। और फिर भविष्य में हमें क्या करना है, मतलब कि भविष्य के लिए हमें क्या करना है अभी, वो भी आपको परमात्मा की गाइडेंस से समझ आएगा। फिर परमात्मा कहते हैं इस ड्रामा में हमारा विशेष पाठ नूंधा हुआ है। अगर आपको ज्ञान है परमात्मा का करना क्या है, तो आपका जो पार्ट होगा, जो आप रोल प्ले करेंगे, वो बहुत ही विशेष होगा। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। देवता मतलब दिव्य गुणधारी मनुष्य आत्माएं। आप और हम ही देवता थे। परमात्मा ने जब आपको नीचे भेजा था, आपको कामी, क्रोधी, अहंकारी, ईर्ष्यालु, घृणा वाला व्यक्ति नहीं भेजा था। आप एक पवित्र आत्मा थे और मैं भी वैसे ही था। लेकिन फिर आस्ते आस्ते जन्म लेते लेते हमने अपवित्रता, मतलब कि गंदी आदतें अपने अंदर धारण कर ली, जिस कारण से आज हम अपने आप को देवता नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों की बातें हो गई हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि क्या थे और फिर कल क्या बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई कि तीनों कालों में हम क्या थे, पिछले जन्मों में क्या थे, अभी क्या कर रहे हैं और अब आगे क्या आने वाला है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर, आप किसी शिखर पे जाकर के खड़े हो जाएं, आप पूरे सिटी को देखें, आप जाकर कर होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है। अरे वाह, सारा नजारा देखिए, अच्छा ये वो जगह है, अच्छा ये वहाँ है, अच्छा यहाँ से घर वहाँ जाता है, अच्छा ये पाइपलाइन वहाँ से आती है, अच्छा ये फैक्ट्री यहाँ पर है, तो हमें सारी रोड्स दिखती होती हैं, अच्छा ये है सारा मैप लेआउट। वैसे ही हमें अपने जीवन का लेआउट, मतलब कि पूरे जीवन का हमें पूरा मैप दिख जाए, देखने से मजा आता है। ऐसे संगम युग, ये संगम युग चल रहा है, स्पेशल टाइम चल रहा है जो कि ट्रांजिशन का टाइम है। कल 25 दिसंबर के बाद में ट्रांजिशन का टाइम हो जाएगा। वैसे ये युग की बात हो रही है, साल की बात नहीं हो रही, पूरा युग परिवर्तन होने वाला है जो कि 1250 वर्ष का है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा कि अच्छा मैंने देवी देवता का पार्ट निभाया था, फिर मैंने ये पाप कर्म करने शुरू कर दिए, फिर जाकर के मैं शूद्र बनना शुरू हुआ, विकारी, मतलब शूद्र मतलब विकारी, और फिर अब मुझे क्या बनना है, मुझे पवित्र बनना है आत्मा, ताकि मेरा भविष्य जो है वो स्वर्ग में जाने के लायक बने। ये सब कुछ है त्रिकालदर्शी होने का मतलब। ये सब कुछ आप सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी में आकर के, और अपने बारे में जाने और भविष्य के बारे में जाने, सिर्फ अपना नहीं पूरी दुनिया का भविष्य के। इसके साथ ओम शांति।